सुजानपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला को आगामी निर्देश आने तक बंद कर दिया गया है। सुरक्षा एवं एहतियातन के मद्देनजर ये फैसला स्कूल प्रशासन द्वारा दिया गया है। हाल ही में स्कूल स्टाफ का एक सदस्य कोरोना संक्रमित पाया गया था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। जानकारी देते हुए स्कूल प्रचारक चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि 3 नवंबर को स्कूल स्टाफ की एक महिला सदस्य कोरोना संक्रमित पाई गई है, जिसे होम आइसोलेट किया गया है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग सुजानपुर की टीम स्कूल में कार्यरत सभी स्टाफ सदस्यों के सैंपल जांच के लिए लेने आई थी, जिसमें करीब 3 दर्जन सैंपल जांच के लिए लिए गए। तमाम सैंपल सही पाए गए, मात्र एक सैंपल कोरोना संक्रमित पाया गया। उन्होंने बताया कि स्टाफ सदस्य सभी को होम आइसोलेट किया गया है। 5 दिन के बाद पुनः सभी स्टाफ सदस्यों के सैंपल जांच के लिए लिए जाएंगे। उसके बाद रिपोर्ट सही आने के बाद ही छात्र छात्राओं को स्कूल बुलाया जाएगा। ऐसे में जब तक स्टाफ सदस्यों के सैंपल जांच के लिए नहीं जाते, उनकी रिपोर्ट सही नहीं आती, तब तक छात्र छात्राओं को घर पर ही पहले की तर्ज पर ऑनलाइन शिक्षा करवाई जा रही है। उन्होंने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि सभी स्टाफ सदस्य सही आए, ऐसी उनकी भगवान से प्रार्थना है। इसके साथ साथ तमाम इस विषय की जानकारी शिक्षा विभाग उच्च अधिकारियों के साथ साथ उपमंडलाधिकारी सुजानपुर को दे दी गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि छात्र छात्राओं को जब तक आगामी निर्देश स्कूल में आने के नहीं दिए जाते, तब तक वे घर पर रहकर ऑनलाइन शिक्षा ही ग्रहण करेंगे। 3 नवंबर 2020 को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुजानपुर टीरा में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा रैपिड सैंपल लिए गए, जिसमें स्टाफ के 32 सदस्यों के सैंपल हुए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा घर में आइसोलेट किया गया। इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग सुजानपुर बीएमओ साहिब द्वारा सारे स्टाफ के सदस्यों को घर में आइसोलेट होने के लिए कहा गया, ताकि 5 दिन बाद जो है दोबारा से सैंपल लिए जा सकें। और हम आशा करते हैं कि 5 दिन बाद दोबारा से सैंपल होने पर सभी के सभी स्टाफ मेंबर्स की रिपोर्ट जो है वो सही पाई जाएगी। बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो पहले की तरह जारी रहेंगी, और बच्चों को पाठशाला में सैंपल की रिपोर्ट सही आने पर ही बुलाया जाएगा। इसके साथ साथ शिक्षा उपनिदेशक उच्चतर हमीरपुर को भी 3 तारीख को ही अवगत करवा दिया गया है, तथा SDM सुजानपुर जी को भी अवगत करवा दिया गया है। धन्यवाद।